एरिया ऑफ ट्राइंगल। डे स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके दो फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो अक्सर हमारे पेपर्स में अप्लाई होते हैं और भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे एक फार्मूला जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 multiplied by base multiplied by height h, ये आप लोग यूज करते हैं। और दूसरा फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AB sin थीटा। तो AB sin थीटा है। लेट डिस्कस वन बाय वन दीज टू फार्मूलाज। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल वन ओवर 2 बेस टाइम हाइट इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास ट्राइंगल्स होती हैं वो हो सकते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल है, इसमें तमाम एंगल्स 90 से छोटे हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ट्राइंगल हो सकती है। या फिर हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल होती है। अब इन तीन ट्राइंगल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बेस और हाइट को आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से कि अगर आप इस ट्राइंगल में बेस इस साइड को लेते हैं तो हाइट आपके पास ऑपोजिट कॉर्नर से 90 डिग्री पे होगी। और इसी तरह अगर आप बेस इस साइड को लेते हैं, this side, then from opposite corner 90 degree पे आप height mark करोगे। तो this is at 90 degree और जो height आपके opposite corner से 90 degree पे mark होगी। इसी तरह अगर आप base इस side को लेते हो, this one, then आप opposite corner से height 90 degree पे mark करते हैं। तो ट्राइंगल में बेस और हाइट के पेयर को, कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये एरर कर जाते हैं, प्रॉपर हाइट और उनकी प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं लेते जिससे उनके आंसर ख़राब हो जाते हैं। अब हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आ गई। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल 180 और 90 डिग्री से बड़ा होता है। सो अगर हम दिस साइड, ये वाली साइड बेस लें तो आपके पास ऑपोजिट कॉर्नर से 90 डिग्री, दिस इज योर हाइट ऑफ ट्राइंगल। नाउ सेलेक्ट दिस साइड एज अ बेस। जब आप इस साइड को बेस लेते हैं तो ऑपोजिट कॉर्नर ये बनता है। तो इधर फ्रॉम दिस कॉर्नर आप इस बेस के ऊपर 90 डिग्री मार्क नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ट्राइंगल को एक्सटेंड करें, ये बेस साइड को एक्सटेंड करें, ये बाहर की तरफ हम ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम अपोजिट कॉर्नर से 90 डिग्री पे ये लाइन, ये, सो दिस इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल जो कि ट्राइंगल से बाहर मार्क हुई है। और अगर आप जो बेस है वो ये वाली साइड ले लेते हैं, ये वाली, तो अपोजिट कॉर्नर आपके पास ये बनेगा। तब आपने क्या करना है कि ये बेस को आपने एक्सटेंड करना है। ये एक्सटेंशन लेंथ में कंसीडर नहीं होगी, ये जस्ट एक गाइडलाइन है कि अपोजिट कॉर्नर से कहाँ तक हमने 90 डिग्री मार्क करना है। तो आप 90 डिग्री पे लाइन को मार्क कीजिए और दिस इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर आपका क्वेश्चन प्रॉपर करेक्टली सॉल्व नहीं होता। अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जी। राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास 90 डिग्री पे है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ये दो साइड्स, अगर एक साइड को हाइट ले लें, दूसरी को बेस, बेशक इसको हाइट ले लें, इस साइड को बेस, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये हाइपोटेन्यूस को आप एज ए बेस यूज करेंगे तो आपने 90 अपोजिट कॉर्नर से 90 डिग्री पे हाइट को कैलकुलेट करना है या नोट डाउन करना है। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये साइड आपके पास 10 है और 10 सेंटीमीटर की है एंड दिस साइड इज 15 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो हाइट है साइड में, आपके पास ये जो हाइट है, क्योंकि अगर ये बेस अगर हमने ली है तो हमें ये एज ए हाइट मार्क करना पड़ेगा और ये हाइट इज गिवन एंड इट इज 15 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस आपके पास 10 है, हाइट आपके पास h है, सो 10 इनटू 15। आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफिकेशन से भी जो हो जाता है तो आपके पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। लेट्स डिस्कस फॉर्मूला 1/2 AB साइन थीटा। अब हम ये फार्मूला यूज करते हैं जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब इसमें इस फार्मूला में कोई साइड बेस और हाइट नहीं होगी। इसमें आपने तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, दो साइड्स। लेट्स से कि अगर आपके पास ये साइड ए है और ये साइड बी, इनकी वैल्यूज गिवन है। इस साइड की वैल्यू ए के साइड भी गिवन है और बी के साइड भी गिवन है, तो जो थीटा आपको चाहिए वो इंक्लूडेड एंगल चाहिए। दिस इज द थीटा। आप बाकी दो एंगल में कोई भी होगा वो इस्तेमाल इस फार्मूले में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस साइड को ए लेते हैं और बी, ये दो साइड नोन है, तो इंक्लूडेड एंगल थीटा इज इन बिटवीन दिस टू साइड्स। सिमिलरली अगर आप ए और बी, ये दो साइड्स नोन है, ये कंसीडर करते हैं, इनकी वैल्यूज गिवन है, तो थीटा इज इन बिटवीन दीज टू साइड विच वी कॉल इट इंक्लूडेड एंगल। तो ये एंगल आपने यूज करना है 1/2 ए बी साइन थीटा के लिए। सो हमें क्या चाहिए, हमें इस फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए हम नोट कर लेते हैं। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें चाहिए टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल मस्ट बी नोन, तब हम ये वैल्यूज को इस्तेमाल करके, ये फार्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये साइड 20, ए इज 20 एंड बी इज 10 और एंगल आपके पास है जी 30 डिग्री, तब आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी साइन थीटा। अब वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट इज 20। What is the value of B? It is 10. AB, 1/2 AB sine and theta. Theta is equal to 30 degree. Angle is 30 degree. Calculator को पकड़िए, उसे इस्तेमाल कीजिए। 20 times 10 times sine 30 लिखें, equal का बटन दबाएं और फिर 2 के साथ डिवाइड कर दें and you will get your answer. So calculator पे आपका आंसर आता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर साइड स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। सो बाय दिस वे आपने दो फार्मूलाज को कैसे यूज करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट को और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए बी साइन थीटा। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये दो फार्मूलाज इस्तेमाल किए जा सकें। अब जो नेक्स्ट आपको सिखाने लगा हूँ कि इन दोनों फार्मूला को इकट्ठे कैसे यूज किया जाता है। इनका जो क्वेश्चन आता है किस तरीके से दोनों फार्मूलाज आपस में कंबाइन होकर अप्लाई होते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, हाउ टू यूज बोथ फार्मूला टुगेदर। हाउ टू यूज बोथ फार्मूला टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल नेम इज ए बी एंड सी एंड वन एंगल इज गिवन, दिस एंगल सी इज गिवन एंड इट इज 30 डिग्री। अब इसका जो पार्ट ए इस क्वेश्चन का बनता है वो है फाइंड, और ये वैल्यूज भी गिवन है आपके पास। ये बी सी साइड 20 है और आपके पास इसी साइड 15 है। तो हम करते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये फाइंड करना है। जब हम ट्राइंगल को देखते हैं, फिगर को देखते हैं, तो हमें एंगल भी मिल रहा है। वी नो द एंगल, वी नो द टू साइड्स अलोंग दिस एंगल, so included angle and two sides are given। तब हम base into height, 1/2 base into height वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये दो sides आ चुकी हैं। so this is the side A, this is the side B and it is angle theta। now apply the formula। formula क्या है जी आपके पास? so area of triangle 1/2 AB sin theta। अब वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं। सो 1/2 वैल्यू ऑफ ए इज 20, वैल्यू ऑफ बी इज 15 एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 साइन 30 डिग्री। नाउ यूज योर कैलकुलेटर एंड फाइंड दिस आंसर एंड योर आंसर इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका जो बी पार्ट पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ आपसे तीन तरीकों से जो पार्ट पूछा जा सकता है, असल में आपसे ये कह सकता है फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC from point A to line BC। एक तो ये तरीका है इसको पूछने का। और कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन बी सी, ये एक तरीकाकार है जो पूछने का। देयर इज वन मोर वे, आपसे इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट वे से भी पूछा जा सकता है। फाइंड परपेंडिकुलर distance from point A to line BC। These are three different ways। आपसे जो वेराइटी आती है, वेरिएशन आती है क्वेश्चन के अंदर पूछने की, ये तीन तरीके से आती है। अब अक्सर उसने प्रीवियस पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करवा दिया होता है। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। अब ये कौन सी लाइन की बात करता है, लेट्स सी दैट। हम ये देखते हैं कि जो कौन सी लाइन की बात कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या मार्क होती है? इट्स 90 डिग्री। हाइट ऑफ ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री पे मार्क होती है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नंबर वन, तो ये पॉइंट हमने लाइन मार्क कर ली और ये जो हाइट है ये हमने कैलकुलेट कर दी है h। अब हम दूसरा देखते हैं जी। दूसरा तरीका क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन बी सी। तो याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये भी यही हाइट कैलकुलेट कर रही है। द थर्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन बी सी। तो ये देखें जी, पॉइंट ए है, ये लाइन बी सी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 के ऊपर हमने मार्क कर दिया। तो इन तीनों वेरिएशन की सेंस एक ही है कि हमने पॉइंट ए से पॉइंट लाइन बी सी तक परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट और हाइट ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि ट्रायंगल सेम है, जिस ट्रायंगल का वो हाइट मांग रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 75 और सेम है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, इट इज इक्वल टू 75। 1/2 बेस आपके पास 20 है, ये जो लाइन होती है जिस तक वो डिस्टेंस मांगता है वो एज ए बेस यूज होगी, इट इज 20 एंड h वी हैव टू कैलकुलेट, नो सिंप्लीफाइड is 10, so h is equal to 75 divided by 10, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 7.75 सेंटीमीटर इज योर आंसर। सो हमने इसमें सीख लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फार्मूलाज, 1/2 बेस इनटू हाइट एंड 1/2 ए बी साइन थीटा, इनको कैसे अप्लाई करना है, इनकी साइड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और इन दोनों को आपस में कंबाइन किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, गुड बाय।